शिक्षा कोई भिक्षा में ना दे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, धिक्कार है ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे जहां हो रहा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये है विनय कुमार, बहुत मेहनत के बाद इन्हें टीचर की नौकरी लगी है और आज इनका पहला दिन है। क्या बात है कि रजिस्टर में 50 बच्चों का नाम रजिस्टर्ड है और सिर्फ तुम लोग 5 ही आए हो? सर जी आज सोमवार है, शुक्रवार को सब अंडा खाने आते हैं। सर हाजिरी देखे तो कितना पूरा है? हाजिरी देखकर क्या करेगा? हाजिरी पूरेगा तब ना पैसे मिलेगा। हाजिरी पूरा नहीं आता है कि पढ़ने आता है, भागता है कि नहीं आता? क्या बात है कि सिर्फ यही दिखा रहा है, तुम लोगों को कुछ नहीं आता क्या? सर जी ट्यूशन पढ़ते हैं, हम लोग गरीब है, हम लोग को पैसा कहाँ से आएगा पढ़ने के लिए? ट्यूशन स्कूल आते ही हो तो इसमें कोचिंग का कहाँ से बात आ गया? क्लास में सर। मैं कहाँ था उस समय से, यहाँ क्लास चल रहा है कब से, कहाँ था बात? लगा जाओ सर जी नया हो। स्कूल में कमा कौन करी बिहान जी स्कूल रहे बिहान जी स्कूल का पैसा मिले वाला हूँ पैसा मिले वाला हूँ चल 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 हम चल चल। अरे सर आप किन चक्कर में पड़ गए, मोबाइल में नेट पैक नहीं है? नहीं है तो हमसे वाईफाई ले लीजिए, बैठ के व्हाट्सएप फेसबुक यूज कीजिए। अरे देख रहे हैं सर यहाँ पे पढ़ाई का किसी को परवाह ही नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई हो या ना हो कोई नहीं पूछता, बच्चा खाना खाता है घर भाग जाता है। और वो आ रहे हैं ना जो बच्चा लेकर के, देखिएगा वो क्या बोलेंगे। बोलिए क्या बात है? कभी पैसा काहे नहीं खरीदे? देखिए नियम है कि 75% से हाजिरी जिसका कम हो उस बच्चा को पैसा नहीं मिलता है। हाँ तो कि स्कूल भेज तो घर ये कमवा के कर, हम उ सब पूछो ना जानी एक पैसा मिले के चाहिए कह दिले। हाँ हाँ तो कैसा रहा पहला दिन आपका, कुछ सीखे? बहुत कुछ सीखे और धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। लग रहा है आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं कुछ भी तो नहीं भूल रहे। नहीं मैं तो विदाउट हेलमेट आया था। याद है वो बच्चा क्या बोला था? अरे ना हमारा गाड़ा माइटर से कपा फोड़ दे। मार के सर फोड़ देगा, उसका कोई ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। लड़ रख लीजिए सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत और रिसर्च के बाद हमने एक ऐप बनाया है जिसमें बिहार रिलेटेड ढेर सारी जानकारी और मुझसे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आपको उस सारे क्वेश्चन का जवाब इस ऐप में मिल जाएगा।
तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, जहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। अभी तक जो आपने देखा वो ये सोचने पे मजबूर करती है कि वाकई फॉल्ट कहाँ पे है। तो क्या शिक्षा व्यवस्था जिम्मेवार है? तो स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के साथ भोजन, कपड़ा, किताब और यहाँ तक कि साइकिल भी दिया जा रहा है। तो क्या शिक्षक जिम्मेवार है? तो जहाँ तक मैंने देखा है, मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो पढ़ाई तो होती है पर कोई भी बच्चा सीरियस नहीं लेता, और ले भी क्यों, क्योंकि कौन सा फेल होने का डर है। और टीचर भी क्या करे, क्योंकि उनको मारने का आदेश ही नहीं है, बच्चे को मारने का आदेश ही नहीं है। और कोई कोई ऐसे दबंग बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट टीचर को धमकी दे देते हैं। और सरकारी स्कूल के टीचर खाना बनवाए, स्कूल ड्रेस के लिए पैसा बटवाए, खाता खुलवाए, दूध और अंडा खिलाए, दवा खिलाए, चुनाव कराए, बोर्ड एग्जाम कराए, बोर्ड एग्जाम का कापी चेक करे, और कभी कभी तो बारात लोग रोक देते हैं और पार्टी करके चले जाते हैं, है ना मास्टर साहब, कल साफ करने के लिए। तो क्या बच्चे में फॉल्ट है? तो छोटा बच्चा और पौधा जिस तरह खाद, पानी और माहौल मिलता है उस तरह बढ़ता चला जाता है, और जिस तरह झुका दिया जाता है उसी तरह बढ़ता चला जाता है, और एक समय के बाद आप उसे चाह के भी नहीं मोड़ सकते। और जिस तरह का माहौल में पला बढ़ा रहता है उस तरह का रूप ले लेता है। तो क्या अभिभावक जिम्मेवार है? तो जहाँ तक मैंने देखा है कि जिस बच्चे का नामांकन प्राइवेट स्कूल में होता है, उस बच्चे को सुबह उठाकर तैयार करके स्कूल ड्रेस पहनाकर, और अगर सुविधा ना हो तो स्कूल तक छोड़ने जाया जाता है और फिर वापस भी लाते हैं लोग। और यहाँ तक कि स्कूल ड्रेस, कपड़ा और हर चीज़ का चार्ज लगता है, यहाँ तक कि स्कूल भी चार्ज करती है, और हर चीज़ का व्यवस्था अपने पैसे से किया जाता है। और वही बच्चे का नामांकन अगर सरकारी स्कूल में होता है तो किसी तरह दौड़ा दिया जाता है, खाना खाए ना खाए कोई मतलब नहीं है, ना ही सरकार सर लोग हैं ही खाना खिलाने के लिए। और ड्रेस का पैसा दिया जाता है, फिर भी बहुत कम बच्चे ड्रेस में नज़र आते हैं। और यहाँ तक कि सरकारी डिपार्टमेंट के बहुत अधिकतम लोग और यहाँ तक कि टीचर भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कन्फ्यूज्ड, हम टेक्नोलॉजी के ज़माने के लोग हैं, हमारी मोबाइल की सेटिंग खराब हो जाती है और अच्छा से काम करना बंद कर देता है ना, हम डायरेक्ट रीस्टोर मारते हैं। कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाने के लायक नहीं, और यही सारे टीचर को बदनाम कर रहे हैं। इन्हें तो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आते हैं सैलरी के लिए और बैठकर चले जाते हैं, ये मेरा देखा हुआ है। और किसी बच्चे को खेल में इतना इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि हार की डर और जीत की खुशी और सामने वाले से कॉम्पिटिशन होती है। पर यहाँ पे एग्जाम तो होगा पर रिजल्ट तो आना नहीं है, किसी को फेल होना नहीं है, तो कंपटीशन किस बात का? और इसीलिए बच्चे सीरियस नहीं लेते। क्रिएटिविटी, तो मैं आईएससी पास हूँ पर आज तक लैब का दर्शन नहीं किया। और आजकल तो बच्चे का 7th-8th क्लास में ही हीरो जग जाता है, हीरोबाजी शुरू कर देते हैं। पर भाई ये हीरोबाजी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज तक, उसके बाद तो तुम्हें दुनिया दिखाई देगी और कुछ समझ में नहीं आने वाला। और इस पे हमारे सोनू भाई कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अगर अभी पढ़ाई आवर में हैं तो ये जान लीजिए कि हीरोगिरी करने से कुछ नहीं होगा। क्लास 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में है तो हीरोगिरी छोड़ दीजिए, क्योंकि हीरोगिरी से कुछ होने वाला नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ठोकर खाकर ही नॉलेज बढ़े। ठोकर हमने खाया है तो आप कुछ सीखिए, क्योंकि आज हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम भी वही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे जहाँ कुछ टीचर लोग बताते भी थे तो उसे हम मतलब इग्नोर कर देते थे, और आज हमारे आँखों के सामने कुछ नहीं दिखाई देता है, हम चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जिस टाइम हमें पढ़ने का मौका मिला था उस टाइम हम सारे समय को मस्ती में गुजार दिए, और आज के डेट में हम चाह कर इसलिए नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मेरा जड़ स्ट्रॉन्ग। आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आप अभी से ही फोकस कीजिए पढ़ाई पे और जड़ को मजबूत कीजिए। क्या आप भी इस सिस्टम के मारे हैं? तो ये आपकी और हमारी बदकिस्मती थी, पर यही रहा तो ये हमारी लापरवाही होगी। कहते हैं आज के बच्चे कल के भविष्य है, पर इस भविष्य को राजनीति के चक्की में पीसा जा रहा है। तो दोस्तों, माफी चाहूंगा कि वीडियो आने में काफी लेट हो जाती है, क्योंकि हमें भी बहुत काम होता है। और एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी आपको कचरा कॉन्टेंट देखने को नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा फ्रेश मिलेगा। मैं चाहता तो
सिंपल कॉमेडी बनाकर व्यू ले सकता था, पर ये सब करने से कुछ और ही खुशी मिलती है। और आपको इस वीडियो को सीरियस लेना है और आपको जिम्मेवारी के साथ इसे शेयर करना है। वीडियो को क्रिएटिव कॉमन में डाल दूंगा ताकि आपको भी कुछ मदद मिल सके। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि मदद कर दो, तो आपको मैं आपका इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। और ये वीडियो कोई हवाबाजी नहीं था, मैं काफ़ी रिसर्च करके और बहुत सारे लोगों से मिल के, यहाँ तक कि टीचर लोगों से भी मिला और उसके बाद बनाया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और शुक्रिया उन सभी लोगों का वीडियो को बनाने में सहायता किए। तो दोस्तों, हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और हमारी मदद करें।